हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राम राम जी सारे ने। और आज मैं लेके आई हूँ लो कैलोरी घिया की रोटी की रेसिपी। आइए आप भी बनाइए मेरे साथ। सबसे पहले ले लिया मैंने ये घिया और इसको हम पहले काट लेते हैं और छील लेते हैं। अब हमने ये घिया छील ली है, अब हम लेंगे कद्दूकस थोड़ा सा मोटे वाला और इसमें से इस घिया को पीस लेंगे। अब हमारी ये घिया कद्दूकस हो गई है। अब मैंने ले लिया है ये मलमल का कपड़ा, आप कोई भी मलमल का कपड़ा या सूती कपड़ा लें और उसके ऊपर डाल लें ये घिया और इसको बिल्कुल निचोड़ लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए और जो पानी निकलेगा उसको फेंकना नहीं है, उससे आप आटा लगा सकते हैं। अब ये घिया मैंने निचोड़ दी है, अब इसको ले लेते हैं वापिस इसी प्लेट में। अब इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा ये हरा धनिया, दो हरी मिर्ची, इसके साथ ही नमक, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी लाल मिर्ची, ये थोड़ी सी भुनी हुई अजवाइन आधी चम्मच और इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब लेंगे हम ये आटा, आटे का पेड़ा थोड़ा सा बढ़ा लेंगे क्योंकि हम स्टफ करेंगे। इसको पहले बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। ये खाने में बिल्कुल हल्की होती है। अब लेंगे हम ये मसाला, इसको इसके अंदर रख लेंगे, थोड़ा ज्यादा भरेंगे क्योंकि हम बड़ी रोटी बनाएंगे, एक ही रोटी इनफ है, इतनी मोटी बनेगी और ये वेट लॉस में भी बहुत फायदा करती है। इसको हाथ से थोड़ा फैला लेंगे। अब सूखा आटा लगा के इसको बिल्कुल हल्के हाथ से बेल लेंगे, ज़्यादा दबाएंगे नहीं, नहीं तो फट जाएगी। हमारी रोटी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब डाल देते हैं इसको गरम तवे के ऊपर। अब हमने इसको पलट दिया है और इसको दूसरी साइड से भी सिकने देते हैं। अब ये इस साइड से भी सिक गई है। अब इसको अलट पलट करके कपड़े से दबाकर सेक लेंगे घुमा घुमा के। ये एकदम तंदूरी पराठे के जैसे बन जाएगा। अब हमारी ये रोटी बनकर रेडी हो गई है। इसको हल्का सा हम गैस पे भी सेक लेंगे। ये जो किनारे हैं हल्के फुलके अगर रह गए हैं तो वो इस पे सिक जाएंगे। अब इस पर लगा देते हैं हम मक्खन। हमारी रोटी रेडी। अब हमारी ये रोटी बनकर रेडी हो गई है। इसको परोसे आप दही के साथ, चटनी के साथ। ये मैंने बनाई है टमाटर और धनिया की चटनी और ये एक ही इनफ है और वेट लॉस करती है, इसलिए आप भी बनाना मेरी रेसिपी देखकर। और बहुत टेस्टी लगती है ये खाने में, एक बार बनाओगे तो पराठे भूल जाओगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।